तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल और शेखर गुप्ता जैसे लोग अपना स्टैंड समय के साथ चेंज करते हैं। जिस समय उनका एजेंडा पूरा होता है उसी समय वो अपनी खाल को अपनी केंचुली को बदल लेते हैं। हम आपको कल के इंसिडेंट के बारे में बताना चाहेंगे। स्वामी अग्निवेश जो कल झारखंड में एक बहुत ही भड़काऊ भाषण दे रहे थे, पहले हम आपको भाषण सुना देते हैं, उसके बाद उनकी पिटाई कर दी गई है। जी हाँ, पहले वो भाषण सुनिए। कश्मीर में श्रीनगर में खड़े होकर के कहा, अमरनाथ अमरनाथ बहुत बड़ा तीर्थ यात्रा जाता है, आपके इधर सबरीमला वाले जाते हैं ना, सबरीमला अय्यप्पा अय्यप्पा, ये भी अंधविश्वास है सारा का सारा, ये तिरुपति भी अंधविश्वास है। तो इस भाषण के बाद स्वामी अग्निवेश की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी। अब हम आपको शेखर गुप्ता का ट्वीट दिखाते हैं। शेखर गुप्ता अपने ट्वीट में कह रहे हैं, पिछले 40 सालों से मैं जानता हूं स्वामी अग्निवेश को, मैंने उन्हें एक भी दिन बिना टर्बन के नहीं देखा है और आज मैंने उन्हें बिना टर्बन के पड़े हुए देखा है। ये बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग है और बहुत ही डिस्ग्रेसफुल है। नेवर माइंड दैट ही इज ऑल्सो सैफ्रन क्लैड, यानी कि वो उन्हें बोल रहे हैं बहुत ही एलिजेंट आर्य समाजी हैं जिन्हें बुरी तरीके से पीट दिया गया है और बहुत ही एलिगेंट इनको बोला जा रहा है शेखर गुप्ता के द्वारा। लेकिन यही शेखर गुप्ता 2015 में इस एलिगेंट मैन को क्या कह रहे थे, आई हैव नोन हिम सिंस 1977, 1977 से इस आदमी को जानता हूँ, स्वामी अग्निवेश बिल्कुल भी नहीं बदला है, आप उसको हमेशा एक ऐसी जगह पर पाएंगे जहां पर कैमरा अवेलेबल हो, जहां पर मीडिया अवेलेबल हो, वहां पर कोई कॉज हो रहा होता है, स्वामी अग्निवेश वहां पर पहुंच जाता है ओनली टू डंप एंड मूव ऑन, यानी कि उस कॉज को डंप कर देता है, उसके बाद जब कैमरे वहां से चले जाते हैं और उसके बाद आगे बढ़ जाता है। ये स्वामी अग्निवेश के बारे में इनके विचार थे, आज वही एलिगेंट मैन हो गया है। अब आपको केजरीवाल का बयान दिखाते हैं, कल का। केजरीवाल कह रहे हैं, एक बुजुर्ग स्वामी को पीटने वाले हिंदू कैसे हो सकते हैं, वो तो सरासर गुंडे हैं। जी हाँ, ये केजरीवाल का बयान है। लेकिन दोस्तों, स्वामी अग्निवेश ने क्या इल्जाम लगाया था अरविंद केजरीवाल पर, वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। स्वामी अग्निवेश का आरोप है, केजरीवाल चाहते थे अन्ना हजारे अनशन करते करते दम तोड़ दें, केजरीवाल के ऊपर हत्या का आरोप लगाने वाले थे स्वामी अग्निवेश। जी हां, लेकिन केजरीवाल ने उनके खिलाफ एक पहले बयान दिया था, वो आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, 2013 का ये बयान है। है स्वामी अग्निवेश गिवन एनी एविडेंस, नो, देन शुडंट ही बी आस्क्ड टू प्रोड्यूस सम प्राइमा फेसी एविडेंस, यानी कि एक मुद्दे पर स्वामी अग्निवेश जो हैं, स्वामी अग्निवेश का जो बयान था उस पर ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि स्वामी अग्निवेश को प्रूफ देना चाहिए, वो झूठ बोल रहे हैं। तो जो व्यक्ति कल तक झूठा था उस व्यक्ति के लिए अरविंद केजरीवाल आज छाती पीटते हुए दिख रहे हैं। तो स्वामी अग्निवेश की थोड़ी सी सच्चाई और बताना चाहूँगा दोस्तों। ये स्वामी अग्निवेश का आप फोटो देख रहे हैं, ये अमेरिका में वो स्पीच दे रहे हैं जिसमें कश्मीर को भारत से अलग कर दिया गया है। राम और कृष्ण को ये भगवान नहीं मानते, नहीं माने आपकी मर्जी है, लेकिन करोड़ों लोग मानते हैं, उनकी आस्था के साथ खेलने का आपको अधिकार नहीं है। बाबा बर्फानी अमरनाथ गुफा पर किस तरीके से वो पाखंड कह रहे हैं उसका वीडियो हमने आपको दिखा ही दिया है। और इसके अलावा भी बहुत से इनके मुद्दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं देश में जहर घोलने का काम करते हैं। तो इसके लिए अब अरविंद केजरीवाल और शेखर गुप्ता को उनका प्रोपेगेंडा चलाने का मुद्दा मिल गया है, तो उनके पक्ष में ट्वीट कर रहे हैं। वहीं फरा फैज को ये लोग बिल्कुल भूल गए हैं, जिनकी भी कल पिटाई हुई है एक चैनल पर। जी हाँ, जी हिंदुस्तान नाम का एक चैनल था जिस पर उनको बुरी तरीके से एक मौलवी ने पीट दिया, उसके खिलाफ इन लोगों ने दोनों ने कुछ नहीं बोला है, क्योंकि वो मौलवी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से आता है और इनका जो मुद्दा है, इनका जो एजेंडा है, उसको ये पिटाई पूरा नहीं करती। तो इन्होंने इस पिटाई को बिल्कुल भी नहीं दिखाया है, ब्लैकआउट कर दिया है। तो दोस्तों, आप अरविंद केजरीवाल और शेखर गुप्ता के बारे में क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर, आप हमें कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर।